हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो देख सकते हो हम लोग आए हुए हैं आज यामाहा के शोरूम पे, और हेलमेट देखने नहीं, एक स्कूटी देखने आए हैं, वो है ये। तो ये है यामाहा की एरोक्स 155। अगर टेक्निकली मैं बताऊं तो इसमें लगा हुआ है R15M का इंजन। तो भाई चलो थोड़ा सा इस स्कूटी के बारे में जाने, एक बार पहले लुक्स देख लो, तो थोड़ा सा एक बार इसके लुक्स को इन्जॉय करो। तो तब तक फिर मैं बताता हूँ कि क्या कुछ खासियत है इस गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं इस स्कूटी में। सो अगर सिनेमेट अच्छे लगे हों तो बताना। तो इस गाड़ी के अगर हम लोग इंजन की बात करें तो पहले मैंने बता दिया 155 सीसी का इंजन मिलेगा। पावर की बात की जाए तो अराउंड 15-20 HP की पावर मिलेगी, और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 13.9 Nm कंपनी क्लेम कर रही है, लगभग 14 Nm का टॉर्क, अच्छा खासा टॉर्क मिल रहा है इसमें गाड़ी में। वहीं अगर आगे बढ़ें व्हील्स की तरफ तो देख सकते हो टायर काफ़ी एक स्पोर्टी लुक में दिया गया है। अगर सेक्शन की बात करूं मैं टायर की तो 140/17/14 सेक्शन का टायर मिलेगा। वहीं अगर मैं पीछे वाले टायर की बात करूं तो सीएट का ही है और 110/80/14 सेक्शन का आगे भी। तो बात की जाए अगर सीट की तो पहले सीट के अंदर चलते हैं, और अगर सीट खोलनी होगी तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको दबाएँगे तो सीट को अनलॉक हो जाएगी। तो भाई देख सकते हो अच्छा खासा एक बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऋषि हेलमेट लाओ ज़रा। तो अगर हेलमेट भी रख दोगे, नॉर्मली जनरल स्कूटीज़ में क्या होता है हेलमेट रख दो तो जगह नहीं बचती है, तो इसमें हेलमेट रखने के बाद भी एक हाफ हेलमेट तो यहाँ भी आ जाएगा बहुत आराम से। तो एक अच्छा खासा एक डिग्गी स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें एक ये चीज़ मिल रही है मोटरसाइकिल कनेक्ट, अब इसके बारे में बात करते हैं, आगे बताता हूँ। पहले सीट बंद करते हैं और फ्यूल पे चलते हैं। तो फ्यूल पे अगर बात करें तो फ्यूल का भी यहीं पे ऑप्शन दिया है, इसको दबाओगे तो ये चीज़ खुल जाएगी। कंपनी ने ये चीज़ अच्छी दी है कि जब गाड़ी ऑफ होगी या इतने पे होगी तभी ये और सीट खुलेगा, नहीं अगर गाड़ी ऑन कर देंगे तो देख सकते हो ये बटन्स भी लॉक हो जाते हैं, कुछ नहीं ओपन होगा। तो ये तो हुई कुछ बात फ्यूल की और सीट के अंडर कैपेसिटी की। और अगर लुक्स की बात करें तो काफ़ी एक अच्छा सा एरोडायनामिक लुक दिया है। तो भैया R15M वालों से रेस लगाई जाए कि ना लगाई जाए? तो R15M के ओनर का कहना है, हाँ भाई M के ओनर का कहना है कि एरोक्स रेस लगाई जाती है क्योंकि भाई M से अच्छी एरोडायनामिक्स दी है। तो यामा फैन बॉयज या बजाज फैन बॉयज भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आर एस से लगवाते हैं रेस, हो सकता है हार जाए, क्योंकि भाई स्कूटी में अगर ये देख रहे हो बेहतरीन चीज़ सिंगल चैनल ABS, वो भी डिस्क ब्रेक दे रखा है आगे, और एक अच्छी खासी प्लेट दे रखी है, 5 mm की प्लेट दे रखी है। पीछे अगर बात करें तो हाँ नॉर्मल ब्रेक है लेकिन यूनिट सस्पेंशन दे रखा है। और अगर आगे की बात करें तो हाँ आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स दिए गए हैं। और लुक्स की अगर बात करें, लाइट ऑन करना यार, तो फ्रंट से ओहो भाई क्या ही बेहतरीन लुक आ रहा है देखने को। तो इंडिकेटर देख सकते हो यहाँ पे, अभी तो निंजा जैसा दे रखा है, तो चला जैसा इंडिकेटर दे रखा है, नहीं मिरर आता है उसमें 500 में, तो काफ़ी स्पेशली डिज़ाइन किया गया। ओफो हज़ार भी दे रखे हैं भाई एक स्कूटी में यामाहा क्या चाहते हो भाई, एक इसको भी 157 ले जाओगे क्या? जा सकती है भाई, जिस हिसाब से इसके एरोडायनामिक्स दिए गए हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रही है यार। और ये कलर स्पेशली बहुत, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक स्पेशल फीचर और दे रखा है, मैं दिखाता हूँ, ये अभी तो इसकी वाली की अवेलेबल नहीं है, स्पेशल फीचर ये दे रखा है, इंट्रोड्यूसिंग वर्जन S विद स्मार्ट की। तो इसमें खासियत ये है कि ये एक स्मार्ट की मिलेगी इसके साथ, एरोक्स के साथ, इससे आप कीलेस एंट्री ले सकते हैं। और जो वहाँ कनेक्ट की बात कर रहा था, ये है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, ये स्कूटी आपके डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इजी आप ऑपरेट कर सकते हैं, इससे आपको फ़ोन ना चलाना पड़े बाइक चलाते, स्कूटी चलाते दौरान। सॉरी एक बार लाइट ऑन करना, बैक लाइट देखें, तो बैक लाइट देख सकते हो एकदम कतई सुपर बाइक जैसी दे रखी है। हाँ थोड़ा यहाँ पे LED मिल जाती तो मज़ा आ जाता, पर खैर ठीक है कोई बात नहीं,
काफ़ी कुछ दे रखा है। स्टैंड भी ठीक ही सा दिया है, और डबल स्टैंड तो ओ भाई डबल स्टैंड, कितने साल बाद मैंने तो डबल स्टैंड देखा होगा। ठीक है, आजकल देखने को ही नहीं मिलता डबल साइड स्टैंड। और अगर ध्यान से देखोगे तो DRL कंप्लीट एक LED DRL सेटअप मिलेगा, और अंदर भी अगर बात की जाए तो पूरा एक LED सेटअप मिलेगा, यानी कि रात में अच्छा खासा लाइट देखने को मिलेगी इसमें, और ज़्यादातर लाइट की परेशानी होगी नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन LED लाइट का सेटअप दिया गया है, आजकल जो जनरली चल रहा है सभी गाड़ियों में, अब मोस्टली कंपनीज LED लाइट सेटअप पे शिफ्ट कर रही हैं, तो LED सेटअप भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। हालांकि इंडिकेटर्स तो आई गेस नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, पीछे भी नॉर्मल ही दिए गए हैं, इंडिकेटर्स भी थोड़े अच्छे LED वाले दिए जा सकते थे, बट सो फार सो गुड, कोई बात नहीं। और बाकी अगर बात की जाए तो भाई लुक तो बेहतरीन दिया गया सामने इसका, तो एकदम एरोडायनामिक लुक दिया है, यहाँ से भी हवा जाएगी। जो लोगों को स्कूटी में लगता था कि भाई सामने से हवा नहीं लगेगी, अब यहाँ से हवा जाएगी, अब लो हवाओं का मज़ा बेहतरीन। तो भाई अगर बात की जाए तो ठीक ठाक 790 mm की हाइट है, अभी डबल स्टैंड पे है पर पैर पहुँच रहे हैं, ठीक ठाक पैर पहुँच रहे हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मीटर मिल जाएगा, और आई गेस एक सेकंड इसको ऑफ ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पे तो स्पीड मिल रही है, यहाँ पे ओडोमीटर मिल रहा है, क्लॉक भी मिल रही है, एक सेकंड क्या ट्रैक्शन कंट्रोल, भाई 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 ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल रहा है। अच्छा तो मेन्यू अच्छा यहाँ से है, ओके तो ये करंट एवरेज दिखा रहा है, और इसके बाद इको, ओके बैटरी भी दिखा रहा है भाई, बैटरी लेवल और ट्रिप ए ट्रिप बी वी बेल्ट, और ये होगा ब्लूटूथ BL, तो ब्लूटूथ का कनेक्टिंग का सिस्टम भी कोई यहीं से दिया होगा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है, ऑन अच्छा वापस से अपन ओडो पे आगे जीरो पे है, ये आपका RPM मीटर मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, और ये आपका स्पीड मीटर मिल रहा है। गैस को मैं एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूँ, और इंजन किल स्विच बटन ऑन ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रेक लीवर्स अगर बात करें तो अच्छे खासे ब्रेक लीवर्स भी दिए गए हैं, और अगर व्यू की बात करूँ तो हाँ अगर सही लेंस से बैठा जाएगा तो एक अच्छा खासा व्यू भी प्रोवाइड करेंगे दोनों ही। और ये देख सकते हो ये कॉकपिट व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हाँ अगर कहा जाए तो मीटर थोड़ा सा और बढ़ा दिया सकता था, और थोड़ा छोटा मीटर दिया बस, इतना बड़ा सा मीटर देते। और एक चीज़ और मैं कमी कहूँगा, अगर कलरफुल मीटर होता तो बहुत ही प्यारा लगता। तो भाई ये था कुछ एरोक्स का एक कंप्लीट वॉक थ्रू, और अगर बात करें तो ये स्कूटी के साथ ही आएगा भाई, एक्सेसरीज में नहीं लेना पड़ेगा, अब तो पैडॉक लेना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं। और वेंट्स दे रखे, देख रहे हो वेंट्स के, अच्छा वेंट नहीं है सॉरी, यहाँ ब्लॉक है, ओके। तो अगर ऑल इन ऑल बात करें, 155 cc लिक्विड कूल्ड इंजन विद 15 bhp और अराउंड 14 Nm का टॉर्क, तो भाई एक अच्छी खासी पावरफुल मशीन बनाई है यामाहा ने, और सच में काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाँ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, अगर LED डिस्प्ले मिलता तो और अच्छा रहता, डिस्प्ले कुड बी बेटर, और अच्छा हो सकता थोड़ा बड़ा हो सकता था, था यामाहा के पास यहाँ पे स्पेस था, मिरर्स की क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, विजन थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था। यहाँ पे एक कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है, आपको अलग से हो सकता परचेज करना पड़े, तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल सकता था, और थोड़ा सा ये जैसे जिसके पैर अगर थोड़े चौड़े हैं या बड़े हैं तो उसके लिए लेग स्पेस थोड़ी सी कम दे रखी है, और पीछे तो खैर ठीक ही है, बस वो एक ग्रैब बार देना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो 9 out of 10 वुड बी इनफ फॉर दिस स्कूटी, बाकी तो खैर ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया मशीन है। तो ये था कुछ आज के लिए वीडियो के लिए, फिलहाल में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, हर हर महादेव।